फॉरियन सिक्योरिटी सर्विसेज नई दिल्ली द्वारा बिजली कंपनी के आउटसोर्स कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं देने और वेतन से अवैध रूप से बीमे के नाम पर काटी जा रही राशि के विरोध में कर्मचारियों ने मंगलवार को अधीक्षण यंत्री कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने मांग की कि उन्हें समय पर वेतन दिया जाए और बीमे के नाम पर काटी जा रही राशि वापस लौटाई जाए। हरिश्चंद सोम रही है जो आउटसोर्स कर्मचारी आज बिजली में काम कर रहे हैं। हमने शासन से भी एक मांग करी है कि आउटसोर्स के लिए एक नीति बना दी जाए ताकि उनसे उनको कल से कोई अधिकारी ये परेशान न करे कि कल से मत आना, यानी उनकी अनिश्चितता समाप्त की जाए, उनके लिए एक नीति बनाई जाए, उनका वेतन भुगतान समय पर मिले और उनसे अवैध वसूली बंद की जाए और जो कंपनियां ऐसा कर रही हैं उनको ब्लैक लिस्टेड करके उनको भविष्य में पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी ठेका ना मिले लेबर का। ये मांग मजदूर संघ की ओर से मैं इन सब के लिए करता हूँ। कर्मचारी यहाँ पर कलेक्टर सर को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। विगत कई सालों से जो आउटसोर्स का शोषण हो रहा है, साथ में अभी नई कंपनी ओरियंट को ठेका दिया गया है जिसमें वो ना तो समय से अपना वेतन देता है और साथ में वेतन के साथ में वेतन काफ़ी टाइम लेट होता है और उसके बाद में जिस प्रकार से वो अवैध वसूली कर रहा है 350 रुपये काट रहा है बीमे के नाम पर व्यक्ति बीमे के नाम के, जो कि बीमा भी जमा नहीं कर रहा है। उसके बाद में जो PF की राशि वो काटता है 12.5%, वो आज तारीख तक किसी की भी जमा नहीं गई। बहुत बार हमने हमारे अधिकारी को भी अवगत कराया इसी बात से और इसी बात को लेकर हमने ओरियन के जो डायरेक्टर है, ओरियन के जो अधिकारी है, उनको भी हमने बताया पर वो किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रहे। इसी समस्याओं को लेकर हमने आज यहाँ पर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और साथ ही अभी हम अधीक्षण यंत्री जो हमारे हैं सर, उनको भी हम ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। समस्या तो बहुत सारी है छुटपुट, परंतु हम यही चाहते हैं कि समाज में हमारे द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो सही हो और हम किसी भी प्रकार से किसी को भी परेशान करना नहीं चाहते। आज MPP को सिर्फ और सिर्फ आउटसोर्स कर्मचारी ही चला रहा है। आज की तारीख में हमें कोई छुट्टी नहीं, ना तो आउटसोर्स कर्मचारी को छुट्टी मिलती है, 24 घंटे काम करता है, सप्ताह में एक भी अवकाश नहीं मिलता है। साथ ही दुख सबसे बड़ा ये होता है कि अभी हमारे बीच में दो भाई हमारे जो साथ के थे वो शांत हो गए और एक का एक्सीडेंट हुआ। जब हमने बोला कि यार ये इनको एक्सीडेंट हुआ है और जो एक शांत हो चुका है, इसको आप कुछ भी जो आप 350 रुपये काट रहे हो इसके आप जो भी है इसका जो क्लेम है वो बनता है, तो उन्होंने आज तक अभी क्लेम भी नहीं दिया। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं, छोटे मोटे बहुत सारे हैं, इसी के लिए हम यहाँ पे आए थे और इसी के लिए हम अधीक्षण यंत्री साहब के पास जा रहे हैं।